हिमाचल बीजेपी ने आज से शुरू की परिवर्तन रथ यात्रा। शिमला निगम चुनाव में मिली जीत से उत्साहित बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में भी जनादेश मिलने का दावा किया। सिरमौर में पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने परिवर्तन यात्रा का किया आगाज। कहा भ्रष्टाचारी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा हिमाचल में कामयाब होगा बीजेपी का मिशन 60+। नैना देवी में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और अनुराग ठाकुर ने संभाली यात्रा की कमान। कहा प्रदेश को माफिया राज और भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए निकाली गई यात्रा। मंडी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परिवर्तन यात्रा को दिखाई हरी झंडी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की कामयाबी का दावा किया। हिमाचल प्रदेश के वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने कुल्लू को नया टूरिस्ट हब बनाने का ऐलान किया। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नेचर पार्क बनाने के संकेत दिए। रोहतक में वाहन लूट की वारदातों में शामिल चार बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रोहतक, भिवानी और झज्जर में लूटपाट की दर्जनों वारदातों में थे शामिल। आरोपियों से एक कार भी बरामद। शिमला निगम चुनाव में जीत के बाद बीजेपी में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की मत्थापेची जारी। अनाडेल वार्ड से जीती कुसुम को मेयर बनाने की चर्चा। डिप्टी मेयर के लिए 6 प्रत्याशियों ने जताई दावेदारी। दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की बैठक में शामिल हुए हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यू। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में बैठक। सभी राज्यों के वित्त मंत्री बैठक में शामिल। फादर्स डे के मौके पर फरीदाबाद की बहू ममता को उसके ससुर प्रेमचंद यादव ने अपनी किडनी की दान। पिछले एक साल से डायलिसिस पर थी ममता। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद बहू ने कहा शुक्रिया पापा।